हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग फिट होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि चिकन कितना आपके लिए सेफ़ है, कितना आप चिकन खा सकते हैं हर दिन में। देखिए, चिकन एक ऐसा मीट है जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, चाहे वो हेल्थ कॉन्शियस लोग हों या फिश से भी ज़्यादा। बल्कि फ़िश के मीट को भी काफ़ी हेल्दी माना जाता है, बट अगर हम परचेजिंग की और सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो मीट है, यूज़ किए जाने वाला जो मीट है, वो है चिकन मीट। अब हम बात करते हैं कि चिकन मीट को हमें कितना खा सकते हैं पर डे। देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर मैं पर डे की बात करूं तो आप चिकन को जो है लगभग 2 सर्विंग में खा सकते हैं। मतलब कि या तो आप दिन में ले लीजिए या फिर आप रात को ले लीजिए, तो कोई भी 2 सर्विंग में, दिन में और रात को, दोनों आप ले सकते हैं। लेकिन चिकन में होता क्या है कि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है इसमें लगभग 32 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम्स प्रोटीन पर 100 ग्राम मीट में होता है। अगर हम वहीं पे फैट्स की बात करें तो लगभग इसमें 3 से 6 ग्राम के बीच में फ़ैट होता है। अभी डिपेंड करता है, जैसे कि आप अगर आप चिकन ब्रेस्ट यूज़ करेंगे तो उसमें 2.5 से 3 ग्राम के बीच में फ़ैट होता है, यानी कि काफ़ी कम होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप होल चिकन या चिकन लेग्स की बात करते हैं तो इसमें फ़ैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए अगर आप लीन मीट चाहते हैं, अगर आप बॉडी वगैरह बनाने की बात करें तो वहाँ पर लीन अगर आपको मीट चाहिए तो आपको चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ होल चिकन या फिर चिकन लेग्स, क्योंकि वहाँ पर आपको फैट परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए अगर आप चिकन खाते हैं और अगर आप दो टाइम अगर आप उसको खाना चाहते हैं तो आप उसमें ब्रेस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ब्रेस्ट आपके सेहत को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि जो चिकन ब्रेस्ट होती है उसमें भी लीन प्रोटीन होता है और इसमें आपके पास फाइबर नहीं होते हैं, तो अगर आप इतना चिकन खा रहे हैं कि डेली अगर आप चिकन खा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सैलड वगैरह की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि खूब सारा फाइबर लेना पड़ेगा वेजिटेबल से या फ्रूट से, ताकि आपकी जो चिकन है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और आपको प्रॉब्लम ना हो पेट में। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि हम लोग कितना चिकन खा सकते हैं और कैसे खा सकते हैं।